हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी और आज मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने। तो आज मैं बताऊँगा आपको लैपिंग जोन इन बीम। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था लैपिंग जोन इन कॉलम। जो लोग आज नए हैं, जो दोस्त आज नए हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया है, आप जाके देख सकते हो कॉलम में लैपिंग जोन कहाँ कहाँ देना सही होगा एज़ पर आईएस कोड। पहले जाके उसको देख लो, फिर आके इसको देखो, ठीक है? तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, ये आज मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा। आप लोग बहुत वीडियो बड़ा बन जाता है, आप लोग कैसा कहना है, तो ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन आज कुछ भी नहीं दूंगा। शेयर करो, लाइक करो, कुछ भी। मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलते हैं, यूपीएससी का, एसएससी का, रेलवे में, फिर जाके डब्ल्यूबीसीएस का, तो ये सब में मैथ्स का एक आता है एप्टीट्यूड का। तो अगर मैं आपसे सजेशन चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं वहाँ का चीज वो सब भी बताने के लिए रेडी हूँ। वीक में एक वीडियो तो डाल ही सकता हूँ वहाँ से भी, तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। जो जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, मैं उन लोग को हेल्प करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना सजेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अगर आप लोग चाहोगे, मैं देखूँगा, वोटिंग पोल अगर ज़्यादा है उसके पक्ष में तो मैं ज़रूर डालूंगा उसके ऊपर भी वीडियो। सिविल इंजीनियरिंग वीकली एक तो टेक्निकल वीडियो आएगा ही आएगा। जॉब की वैकेंसी का हर वीडियो, हर ऑल्टरनेट डे पे मैं कोशिश करूंगा कि डालूँ एक वीडियो, क्योंकि जॉब की बहुत ज़रूरत है अभी सबको, भले वो फ्रेशर हो और जो फ्रेशर ना हो वो भी, क्योंकि आप सभी जानते हो सिविल की मार्केट बहुत ख़राब है अभी। सिविल इंजीनियरिंग की स्पेशली रियल इस्टेट की मार्केट बहुत ख़राब है अभी। तो मैं जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को हेल्प मिले। और फ्रेशर्स, जो फ्रेशर्स हैं, समझो मेरी बात को, वैकेंसी निकलेगी तभी मैं डाल पाऊँगा ना आप लोग के लिए। अभी मेरे पास एक्सपीरियंस का आता है उसे वैकेंसी तो मैं डाल देता हूँ, फ्रेशर्स का मिलेगा तो मैं अपने पास उसे थोड़ी ना रख दूंगा कि नहीं मैं ही करूँगा। जरूर मैं डालूंगा, मिलेगा तो जरूर डालूंगा। तो ऐसा कमेंट मत करो कि मैं निराश हो जाऊँ आपके कमेंट को पढ़ के। इससे क्या होता है कि मेरा मोरल डाउन हो जाएगा, तो मैं अच्छे वीडियो नहीं बना पाऊंगा आप लोगों के लिए। इसलिए मुझे मोटिवेट करो और, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो डालूँ। चलो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। कॉलम का देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक, ठीक है, और अपना सजेशन मुझे जरूर दीजिएगा। मैं एप्टीट्यूड, टेक्निकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये सब पे डालूँ या नहीं डालूँ, ठीक है? तो चलो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। लैपिंग जोन इन बीम। लैपिंग से पहले मैं लैपिंग जो आज न्यू है बता दूं, लैपिंग एक्चुअली लैप का फंक्शन क्या है, लैपिंग क्यों करते हैं हम लोग। तो कॉलम हो, बीम हो, कुछ भी हो, अगर एक रॉड है तो रॉड तो बहुत लंबा नहीं हो पाता है, इसका एक फिक्स्ड लेंथ है 12 मीटर या कुछ भी। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं जाके तो ये रॉड ख़त्म होना ही है, ठीक है, और हम लोग का कंस्ट्रक्शन जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके संग एक रॉड को टाई करते हैं, मतलब ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरलैप करने का फंक्शन क्या हुआ, इस रॉड के ऊपर जितना लोड आ रहा था वो सेफ्टली ट्रांसफर करेगा इस रॉड पे। कॉलम के केस में जैसे ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो देखिए इस रॉड के ऊपर जो लोड आ रहा है वो सेफली ट्रांसफर करेगा इस वाले रॉड पे, ठीक है। तो इसी के लिए हम ओवरलैप करते हैं, लैपिंग देते हैं, और ये लैपिंग कितना होना चाहिए वो आईएस कोड बताता है। तो वो लैपिंग कितना होना चाहिए ये डिज़ाइन करके पता चलता है, ठीक है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके। तो जितना ज़रूरत है सेफली सेफली इस बार से लोड ट्रांसफर करना इस बार पे, ठीक है। तो ये पार्ट को ही, मतलब दो बार को ओवरलैप करना, जोड़ना, इसी को लैपिंग कहा जाता है। और ये हम हर जगह नहीं दे सकते हैं, ठीक है, हर जगह नहीं दे सकते हैं। तो कहाँ देंगे वही हम जानेंगे। सबसे पहली बात तो आप जान लो कि लैपिंग जो है वो कभी भी हम टेंशन वाले जोन में कभी नहीं देंगे। कोई भी मेंबर में जहाँ टेंशन एक्ट कर रहा है वहाँ पे कभी लैपिंग नहीं देंगे, कभी भी नहीं, भूल कर भी नहीं, ठीक है। टेंशन से अवॉइड करके हम डाल सकते हैं कहीं भी इसको, मोमेंट क्रिएट होता है जहाँ पे टेंशन ज़्यादा क्रिएट होता है। तो चलो मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। यह है हमारा, बता दूं मैं क्या है, ये तीन जो आप देख रहे हो ये है कॉलम,
और ये जो बीच में गया है, अब ये रेड वाले लाइन को आप भूल जाओ, ये क्या है, ठीक है? ये बीच में जो गया है ये बीम है, ये कॉलम कंटिन्यूअस बीम है, ठीक है? तो कंटिन्यूअस बीम हुआ, जनरली हम लोग जो भी स्ट्रक्चर देखते हैं अपने साइट पे ड्राइंग पे, वो यूडीएल होता है। यूडीएल क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जनरली होता है ज़्यादातर, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। तो चलो मैं बताता हूँ, ये बीम में रेन्फोर्समेंट जो आता है, अगर उसका मैं अगर सपोज यहाँ से एक सेक्शन काट दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक सेक्शन काटूँ तो वो सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो मैं यहाँ बना दूँ, सेक्शन अगर काटूँ तो ये ऐसा दिखेगा, ऊपर बार होता है और नीचे, इसे बोलते हैं टॉप बार, और ये जो नीचे है इसे बोलते हैं बॉटम बार, ठीक है? तो चलो अब जानेंगे टॉप बार का जो लैप है वो किस जंक्शन पे आना चाहिए और बॉटम बार का जो लैप है वो किस जंक्शन पे आना चाहिए। मैंने इसी ड्राइंग को क्या किया, पहले यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अच्छा एक बात बता दूँ, ये रेड लाइन मैंने बीच में काटा है, मैं अलग अलग कर दिया हूँ। टॉप बार का जो मैं लैप बताऊंगा इसके ऊपर बताऊंगा, बॉटम इसके नीचे आ जाएगा, जस्ट सेपरेट किया हूँ टॉप और बॉटम को, ठीक है? तो चलो अब देखो, ये तो मेरा कॉलम है और ये भी मेरा कॉलम है, ये बीम है। अब क्या होता है कि लोड सबसे पहले जब ऊपर से लोड गिर रहा है ना इसके ऊपर, तो ये बीम का टेंडेंसी कैसा होगा, ये बीम का डिफ्लेक्शन कैसा होगा, ऐसे टाइप का, ठीक है? तो यहाँ पे जो रॉड होगा ना, जैसे सपोज देखो यहाँ पे अगर एक रॉड है, तो ये रॉड का टेंडेंसी कैसा होगा, ये हल्का बकल करेगा, ऐसे देख लो, बेंड होगा, डिफ्लेक्शन इस पे दिखेगा। तो अगर हम बीच में यहाँ पे अगर लैप देते हैं, तो देख रहे हो अगर लैप पे लोड पड़े तो क्या होगा, ये टूट, समझ रहे हो ना, फेलियर होने का चांस हो जाता है यहाँ पे। तो एक बात इससे आप समझ लो, बीम का जो बॉटम बार है वो सेंटर में तो कभी नहीं देंगे, गलती से भी नहीं देंगे, ठीक है, गलती से भी नहीं देंगे। लेकिन एक चीज है, क्योंकि यहाँ पे देखो टेंशन आ रहा है ना, जब लोड ऊपर से गिर रहा है, जब यहाँ पे हम लोग ऊपर से लोड दे रहे हैं, तब ये बीम कैसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसे, ठीक है? तो यहाँ पे जो मेरा रॉड है वो रॉड का टेंडेंसी कैसा हो जाएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होने का। तब क्या हो रहा है, एक देखो टेंशन एक्ट कर रहा है इस रीजन में, ठीक है, टेंशन एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम कभी भी नहीं देंगे लैप। और ऊपर वाला जो टॉप बार है वो कैसे एक्ट करेगा, ऐसे, तो इस जंक्शन में लोग दे सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से मेरा क्या कंक्लूजन निकला, टॉप बार जो है उसको हम कहाँ पे लैप देंगे। चलो टॉप बार को मैं पहले क्या करता हूँ, तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तीन पार्ट में डिवाइड कर लेना। ये हो गया L/3, ये हो गया L/3, ये हो गया L/3। टॉप बार का लैप ऑलवेज इस मिड वाले जंक्शन में कहीं भी आप डाल सकते हो, ठीक है? ये है लैप जंक्शन, यहाँ पे लैपिंग आप दे दो, कोशिश करना सेंटर में ही देने का, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि ये जैसे सेक्शन है टॉप में, अगर सपोज चार बार है, ठीक है, तीन चार, तो चारों का जो है, चारों बार का लैपिंग एक ही जगह मत दे देना, ठीक है? दो बार को यहाँ दिए तो दो बार को यहाँ दे दो, समझ गए? अगर मैं टॉप से सेक्शन काटूँ तो ये ऐसा दिखेगा, सपोज देख लो यहाँ पे अगर कॉलम है तो एक आया चला गया, ठीक है, एक फिर रॉड मेरा कंटिन्यूस जाएगा, वो लैप यहाँ पे आएगा, फिर एक का लैप यहाँ पे दो, कंटिन्यूस चला गया, फिर एक का लैप यहाँ पे, मतलब दो लैप यहाँ पे ऑल्टरनेट करके, दो लैप यहाँ पे ऑल्टरनेट करके, समझ गया ना? एक ही लाइन में चारों को मत दे देना, 50-50 शेयर कर दो। तो ये तो आप समझ गए कि टॉप बार का लैप कहाँ पे आएगा, मिड में, ठीक है? ये L/3, ये L/3, ये L/3। अच्छा L मेरा है क्या, ये तो जान लो पहले, L है मेरा ये क्लियर लैप, क्लियर डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर स्पैन जो है बीम का, ये है मेरा L। चलो टॉप का लैप कहाँ पे आएगा, पूरा क्लियर मेरा मिड में, ठीक है?
बॉटम बार अब जानना है हमें कि बॉटम बार कहाँ पे दे सकते हैं। तो देखो इस पे मैंने बहुत रिसर्च किया, बड़े बड़े आईआईटी के सर लोग से भी मैंने क्लियर किया हूँ, कुछ पीएचडी वालों से भी मैंने बात किया। इसके लिए कोई बहुत कंफ्यूजन है, आप नेट पे देखोगे ना तो नेट पे बोल देते हैं कि कॉलम सपोर्ट से ये है मेरा L/4, ठीक है L/4, ये है मेरा L/4, ये है मेरा L/4, बीच का जो भी डिस्टेंस हो, ठीक है ये मेरा है L/4, ये याद रखो बस। ठीक है एक चीज़ तो मैंने अभी पीछे जो बताया उससे आप समझ गए कि सेंटर में तो नहीं आएगा, बॉटम बार का जो लैप है वो सेंटर में नहीं आने वाला। तब आप इसे आप देख के समझ रहे होगी इस जंक्शन में देंगे। बहुत जगह नेट पे दिया हुआ है कि कॉलम फेस के पास में यहाँ देने के लिए, ठीक है गलत नहीं है वो, बट मोर एक्यूरेट होगा अगर हम जो लैप है वो कॉलम के जंक्शन में यहाँ पे फेंके। मतलब अगर देखो बार ऐसे जा रहा है तो लैप को यहाँ पे अगर फेंके, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी अगर गलत बोलता है तो उसको मेरे पास लेके आओ। ठीक है अगर कॉलम का जो विथ है अगर मेरा लैप उससे बड़ा हो रहा है तो ये मैक्सिमम L/4 तक ही जाएगा, ठीक है यहाँ तक हम ले जा सकते हैं मैक्सिमम L/4 इधर L/4 इधर। इस L/4 से इधर तो गलती से भी मत लाना, इस रीजन में कभी लैप नहीं आता है, ये हमेशा याद एकदम अपने जहन में डाल लो, इस जंक्शन में L/4 को क्रॉस करके कभी लैप मत लाना, ठीक है कभी भी नहीं। तो यही बताना था, बॉटम का बार का जो लैप है वो आप कॉलम जंक्शन पे डाल सकते हो और एक्सटेंड कर सकते हो कितना तक, L/4 तक, ठीक है L/4 तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो बॉटम बार में यहाँ देना लैप और टॉप बार में बिटवीन में देना सेंटर में, ठीक है। जो बोलते हैं कि कॉलम फेस से L/4 तक वो गलत नहीं है, बट मोर एक्यूरेट मुझे ये लगता है, ठीक है हो सकता है किसी और को कुछ और लगे बट मुझे ये लगता है। अगर मुझे फॉलो करते हो तो इसे आप फॉलो कर सकते हो, कोई गलत नहीं बोलेगा इसे। हाँ ये एक प्रॉब्लम होता है, क्या होता है प्रॉब्लम कि ये पार्ट में एकदम खिचड़ी बन जाता है, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे लैप डालना, ठीक है बट ये मोर एक्यूरेट है, ठीक है बहुत को यहाँ पे नहीं डालता है क्योंकि ये पूरा मेस टाइप का बन जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे एनफोर्समेंट डालना, ठीक है तो बहुत को क्या करते हैं यहाँ पे डालते हैं। डाल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो ऐसे डालो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये तो हुआ ऐसे। हाँ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, जैसे मैंने टॉप में बताया कि एक ही जगह सारा लैप नहीं देने, ऑल्टरनेट करके एक यहाँ पे दो तो एक यहाँ पे दो, वैसे ही यहाँ भी सारा लैप एक जगह मत देना। जैसे देख लो कंटिन्यूअस बीम है, अगर ऐसे है कंटिन्यूअस बीम, अगर ऐसे है तो अगर आप एक लैप यहाँ पे डाल रहे हो तो इसके साइड में जो बार है ना, अब देखो इसको टॉप में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कॉलम है यहाँ पे कॉलम है सपोज, ठीक है अगर ये ला के एक लैप अगर आप यहाँ पे डाल रहे हो तो एक बार का लैप आप क्या करना, इस कॉलम में जाकर डाल देना, समझ गया ना मेरा बात। एक लैप इसमें आया, एक लैप इसमें आएगा, फिर एक लैप इधर डालना ऐसे करके, ठीक है 50% से ज़्यादा इंक्रीज मत करना। चलो अच्छा टॉप में सेंटर में डालने का रीज़न क्या है, देखो बीम का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ना वो ऐसा होता है, तो सेंटर में मोमेंट जीरो होता है, मोमेंट जीरो, इसी का यही मेन रीज़न है कि यहाँ पे हम सेंटर में डाल सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि टेंशन जोन में यहाँ पे टेंशन एक्ट नहीं करता है, इसलिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये पूरा सेफ है, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया। हाँ तो और बता रहा हूँ कि मैं बीम पे कॉलम पे एक स्पेशल एक ट्यूटोरियल दूंगा जिसमें नोट्स रहेगा, कॉलम में स्पेसिंग इतना, बीम में स्पेसिंग इतना, बीम का विड्थ कितना होना चाहिए एज पर IS कोड, ठीक है बीम का स्पैन जो है वो कितना होना चाहिए एज पर IS कोड, किस किस जोन पे लैप हमें स्टीरअप का जो स्पेसिंग है वो कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, मतलब डिज़ाइन का क्राइटेरिया जो है वो मैं बताऊंगा, ठीक है वीडियो बन रहा है उन सब पे, थोड़ा टाइम लगेगा और जो भी डालता हूँ उसे देखो, थोड़ा
आज के वीडियो में इतना ही, कैसा लगा जरूर बताना। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय।